For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Saleem Khan. And I passed MBBS Bulan Medical College. And after that, I did neurosurgery in FCP in 2012. And in 2013, I was in Bulan Medical Complex Hospital. कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एसएससी या रजिस्ट्रार काम कर रहा हूँ और उसके अलावा शाम को मैं हार्ट इंजनल हॉस्पिटल मॉडल टाउन कोलकाता में प्रैक्टिस करता हूँ। न्यूरोसर्जरी में जो जो बीमारियाँ आती हैं वो ज़्यादातर दिमाग और कमर से रिलेटेड होती हैं। कमर की वो बीमारियाँ जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है और वो दर्द टांगों की तरफ आता है, ऐसे तकालीफ न्यूरोसर्जरी के ज़िम्मे में आते हैं। और कुछ ब्रेन की ऐसी बीमारियां हैं दिमाग की, जैसे कि दिमाग में पानी हो जाना, दिमाग में खून जमा हो जाना, दिमाग में रसूली का पैदा हो जाना, जिसको आम जबान में ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं पूरी जिस्म में, जैसे पेरिफेरल नर्व्स की बीमारी होती हैं, आसाबी रगें जो होती हैं जिस्म में, उनसे भी रिलेटेड जितनी बीमारियां होती हैं वो सारी न्यूरोसर्जन के ज़िम्मे में आती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि न्यूरोसर्जन हर किस्म की बीमारियों को सर्जिकली ट्रीट करें, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो मेडिकली भी बगैर ऑपरेशन के ट्रीट हो जाती हैं। डेफिनेटली जैसे मैंने अभी आर्ज किया कि न्यूरोसर्जन सिर्फ और सिर्फ ऑपरेट नहीं करते बल्कि वो दवाइयों से भी इलाज करते हैं। और जनरली एक तस्वर एक माशरे में देखा गया है कि कमर का ऑपरेशन को अच्छा नहीं समझा जाता, जो कि बिल्कुल एक मिसनोमर है। लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हमारी न्यूरोसर्जरी की स्पेशलिटी में बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो जिसका हम ऑपरेशन करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है, बशर्ते कि टाइमली सर्जरी हो, बहुत ज़्यादा डिले ना हो गया हो, बीमारी बहुत पुरानी हो जाती है, आखिर में आके डॉक्टर को कंसल्ट किया जाता है। तो क्योंकि लोग कोशिश करते हैं ऑपरेशन को अवॉइड करते हैं, इसलिए वो दवाइयों से हकीमों से मुख्तलिफ किस्म के इलाज करते हैं, लेकिन सर्जिकली बहुत सारी बीमारियाँ ट्रीट होती हैं, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर्स हैं वो उनको सर्जिकली ट्रीट करते हैं। न्यूरोसर्जरी के ज़िम्मे में एक सबसे जो अहम काम है वो हेड इंजरी को मैनेज करना होता है। हेड इंजरी जितने भी होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूरोसर्जन ही ट्रीट करते हैं, और न्यूरोसर्जन ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हेड इंजरी में भी अगर खुदा न खास्ता सर की हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, सर में खून जमा हो जाए, तो उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर खून जमा ना हो या बहुत कम खून हो तो उसको हम कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स बहुत किस्म के होते हैं। कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो दिमाग के अंदर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कुछ जो दिमाग के ऊपर पड़े होते हैं। तो जो दिमाग के ऊपर पड़े होते हैं उनका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, उसको हम सर्जिकली ट्रीट कर लेते हैं, उनका ऑपरेशन करके ट्यूमर को निकाल देते हैं, तो उसके बाद मरीज़ 100% ठीक हो जाता है। और कुछ ऐसे ब्रेन के ट्यूमर्स या रसौलियाँ हैं जो कि दिमाग के अंदर पड़े होते हैं, तो उनका निकालना आसान नहीं है, ना कि उनका 100% निकलना मुश्किल होता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं, जैसे डीप ब्रेन ऑपरेशन और स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी, गैमा नाइफ सर्जरी, वो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं जो भी सारे न्यूरोसर्जन ही करते हैं। तो वो उन ट्यूमर्स के लिए हैं जिनका 100% निकलना मुमकिन नहीं होता, और वो ऑपरेशन के जरिए एक टुकड़ा निकाल के उसकी बायोप्सी कर देते हैं, और उसके बाद जब ट्यूमर का टाइप पता चलता है तो उसके बाद मज़ीद उसका इलाज किया जाता है। कमर का दर्द एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, बच्चों से लेके जवानों तक, बूढ़ों तक, औरतों में, मर्दों में कमर का दर्द ज़िंदगी के किसी न किसी स्टेज में हर आदमी को होता है। सवाल ये है कि कमर दर्द को कब सीरियस लिया जाए, एक अच्छा सवाल है। बहुत से लोगों में ये कंसेप्ट है कि कोई वज़न उठाया हो, भारी काम किया हो, उस कमर पे चोट लगी हो जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है। तो जो ख़तरे की अलामत हैं कमर दर्द की, वो तो एक ये है कि कमर का दर्द काफ़ी अच्छे से हो, कई सालों से चलता रहा हो, साथ साथ वज़न कम हो रहा हो, उसके अलावा वो दर्द टांगों की तरफ आ रहा हो, एक टांग में या दोनों टांगों में
पैदल चलने से टांगों का दर्द बढ़ जाना, टांगों का सुन्न हो जाना, और जैसे वो पैरेस्थीजियास कहा जाता है कि टांगे में जैसे सुइयाँ चुभ रही होती हैं, इस तरह की कैफियत अगर हो या टांगे बिल्कुल काम करना छोड़ दें, तो ऐसी कैफियत में कमर की बीमारी को सीरियस लिया जाना चाहिए और किसी भी न्यूरो सर्जन से मशवरा लेना चाहिए और मज़ीद वर्कअप करना चाहिए ताकि कमर दर्द के जो भी बीमारी हो उसको वक्त पर तशखीस किया जा सके और उनका अच्छा इलाज किया जा सके। मरम की वेबसाइट पर मेरा तमाम प्रोफाइल मौजूद है, और उसके अलावा अगर वेबसाइट के थ्रू वो न्यूरो सर्जरी के हवाले से कोई भी सवाल करना चाहें तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ।